हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अनवर काशिफ साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के, और अली खिजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानिब आ जाते हैं अनवर साहब। यकीनी तौर पर आवाम तो यही कहते हैं और हर बजट में कहते हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए, लेकिन इन्फ्लेशन हमारे सामने है और सब ये बातें कर रहे हैं कि कोई भी इस वक्त हुकूमत में ये नहीं सोच रहा कि ये कितना बजट जो है आवाम दोस्त होगा। हर कोई बात कर रहा है कि टैक्स किस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाने हैं और उसकी वसूली कैसे करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, इशू यह है कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स नहीं हैं। ये भी एक हकीकत है जिसको हमें समझना होगा। महंगाई बिल्कुल सही है, बहुत ही रैम्पेंट हुई हुई है, और टेल पे जो हमारे पास पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर डेमोग्राफ देखें, कुछ लोग हैं जिनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। तो अब हुकूमत जो टैक्स स्कीम है, जो टैक्स लगाने की स्कीम है, वो ये है कि आप लोग उन लोगों से टैक्स लें जिनको फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से, और उन लोगों पे लगाएं जिनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ वो साइकिल, वो स्कीम मिसिंग है। यही इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमेशा जब भी टैक्स लगाया जाता है, लोग ये समझते हैं कि हमारे ऊपर लग रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो आम आदमी जो कोई चीज़ खरीदता है, वो चाहे उसके 15,000 रुपये की आमदनी हो या 15 लाख की आमदनी हो, दोनों को वही टैक्स लगता है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है या इम्पैरिटी है, वो जो है वो उसी वजह से लोगों को महंगाई का इम्पैक्ट भी लगता है, लोगों को टैक्स से डर भी आता है, और लोगों के लिए नाइटमेयर बन जाता है। चलें, ये तो मियाँ जाहिद हुसैन साहब, अनवर काशिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रिजर्व नहीं है, और जो FBR का फोकस है ना इस मरतबा, वो कंपनीज के रिजर्व के ऊपर है। टैक्स ऑन कंपनीज रिजर्व जो इस वक्त आने जा रहा है, जिसके ऊपर बड़ी बात चल रही है, और आपके रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स मोबिलाइजेशन कमीशन जो है पाकिस्तान का, उसने ये प्रपोज किया, एक किए फिर वो मैट किया आपके मिनिमम एसेट टैक्स। नाउ पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो उनको भी स्क्वीज करने जा रहे हैं, कंपनीज के मुनाफों को, उनके सरमाए को स्क्वीज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस दफ़ा जो 9,200 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है इन्होंने, और जो पिछले साल जो भी हमारा आउटगोइंग ईयर है, इसमें हमारा टैक्स तकरीबन को 6,900 अरब रुपए होगा। तो 9,200 का मतलब है कि तकरीबन 30% के करीब ये रेवेन्यू टारगेट इन्होंने इंक्रीज किया है। और जहाँ तक अभी आपने कंपनियों का पूछा कि उनके जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने की बात है, तो कंपनियों के ऊपर तो पहले ही इन्होंने सुपर टैक्स और कई किस्म के टैक्सेस लगाए हुए हैं, और कंपनियां जो हैं वो आपको पता ही है कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले ही ज़्यादा है, और कंपनियों के पास काम करने की जो गुंजाइश है, स्पेस है, वो रोज़ रोज़ श्रिंक होती जा रही है, क्योंकि इम्पोर्ट्स के ऊपर भी आप देखें कि रॉ मटेरियल के ऊपर हमने किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। गवर्नमेंट इस चीज़ का क्रेडिट लेती है कि उसने 76% करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर लिया है, लेकिन वो किस कॉस्ट पे किया है? वो इस कॉस्ट पे किया है, हमारा जो GDP 6% था उसको ले आए हैं 0.29% के ऊपर। तो जाहिर है कि जब आप अपनी इम्पोर्ट को इस तरीके से क्रिपल करेंगे और इस तरीके से रोक देंगे, तो आपके मुल्क की जो टोटल इकॉनमी है और इकॉनमी साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और हमारी कुछ $34 अरब की इकॉनमी इसी वजह से श्रिंक कर गई है। तो इससे लोगों का रोजगार भी मुतासर होता है। अब बात यह है कि जब आपका रेवेन्यू टारगेट आप 9,200 अरब रुपए रखने जा रहे हैं, और इम्पोर्ट को आप पहले क्रिपल किया हुआ है, तो आपको इम्पोर्ट से बड़ा सब्सटेंशियल रेवेन्यू मिलता है, वो रेवेन्यू आपको मिलेगा नहीं इम्पोर्ट कम होने की वजह से। एक और एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये जो इम्पोर्ट को रोका हुआ है इन्होंने, तो इसमें 365 डेज के क्रेडिट के ऊपर, DA के ऊपर इन्होंने कहा था इंपोर्टर्स को कि आप अपनी चीजें इंपोर्ट कर लें। अब वो 365 डेज जो हैं वो भी होने वाले हैं, उसकी पेमेंट भी तकरीबन $10 अरब होगी जो अगले 3-4 महीने में वो भी सर्विस करनी होगी। तो ये सारे मामलात हैं, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल कर लें, इन चीजों का हल तो है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है और उसमें इनबिल्ट पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि हम उन चीजों को अगर सही एक्सप्लोर कर लें, और जिसमें मुझे लग रहा है कि हुकूमत कुछ उस तरफ डायरेक्शन दे भी रही है कि फॉर एग्जांपल सोलर के ऊपर गवर्नमेंट जाना चाह रही है, और सोलर को अगर आप चले जाते हैं तो आपका तकरीबन 40% के करीब आपका जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, जो कि तकरीबन $9-10 अरब है। इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर को सही पैकेज दे दें,
और उसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस करवा दें। सर देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, बात सर ये कि सही डायरेक्शन के ऊपर अगर बजट हो, बट यहाँ जो देख रहे हैं चीज, मैं अली आपकी तरफ आता हूँ अली खजर, बात सर ये कि जीडीपी आपकी धड़ाम से गिरी 6% से आप 0.29% के ऊपर आ गए, एग्रीकल्चर ग्रोथ आपकी 4-4.5% से गिरकर 1.5% पर आ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका माइनस में चला गया, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ आपकी less than 1% है, इन्फ्लेशन आप हिस्टोरिकल हाई के ऊपर है, FBR रेवेन्यूज जो है वो 16% बढ़ गए, हर चीज पूरी इकोनॉमी का धड़न तख्ता हो गया, लेकिन बल्ले बल्ले जो है वो FBR रेवेन्यूज में है। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी सिर्फ FBR के रेवेन्यू को, और अभी भी ये जो आप बात कर रहे हैं जो आपने रखा है तकरीबन टैक्स रेवेन्यू 9,200 का आप लेकर जाएंगे, तो ये इकोनॉमी आपकी कोई और डायरेक्शन है, FBR ग्रोथ जो है वो तो पकड़ धकड़ के एडवांस में लेकर सारी चीजें कर रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है इस तरह के रेवेन्यू से हमारी इकोनॉमी को? जी इमरान, 30% इंक्रीज है, आप मेरे से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अली खजर, अली खजर आपसे मैं जवाब चाहूंगा, अली खजर। जी जी इमरान, पहली बात यह है कि FBR की रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो 16% की जो आप ग्रोथ बता रहे हैं या 16 से थोड़ी ज्यादा है, वो ग्रोथ नेगेटिव है इन अ रियल सेंस। आप इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखें तो FBR की ग्रोथ कम हुई है, आपका जीडीपी जो है वो तकरीबन 60 ट्रिलियन समथिंग से 84 ट्रिलियन पे गया है, 68 से 84 पे कुछ वो, और इन्फ्लेशन आपकी 29% की एवरेज इन्फ्लेशन है 11 महीने की, तो उसके मुताबिक अगर आप 16% या 20% की FBR ग्रोथ कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। FBR का रेवेन्यू जो है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा। अब उसमें अब देखने की बात यह है कि FBR के रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट हो रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कलेक्ट हो रही हैं, यानी कि आपकी ग्रोथ जो है जो उसकी आपकी कस्टम ड्यूटी में, सेल्स टैक्स में उतरी नहीं है जितनी डायरेक्ट टैक्सेस में है। चूंकि डायरेक्ट टैक्सेस में आपने कंपनीज के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया, आपने वो बैंक के ऊपर भी बहुत हाई टैक्स कर दिया, और उस सारी की वजह से आपकी जो जो छोटा सेक्टर जो जो, जो, जो मतलब जो सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेनली जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर मेनली जो टैक्स देता था उसके ऊपर आपने बर्डन बहुत ज्यादा डाल दिया, जबकि जो दूसरा है उसको आपने बिल्कुल भूल दिया। आपने पिछले साल के शुरू में ट्रेडर्स के ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाया था, वो मरीम नवाज की ट्वीट के ऊपर उस वक्त के मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको वापस कर दिया। तो ये तो यहाँ पे टैक्सेशन आप किसी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पार्टी के करते हैं तो ये तो उनका हाल होता है। तो बात ये है कि आपकी चूंकि इंपोर्ट गिरी है, हमने देखा है इंपोर्ट में तकरीबन 27-28% की कमी आई है, उसकी वजह से आपकी कस्टम ड्यूटी में गिरावट आई है, उसकी वजह से आपके सेल्स टैक्स जो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट स्टेटस पे होते हैं उसमें गिरावट आई है, फिर आपकी पेट्रोलियम कंजम्पशन जो गिरी है, जो कि आपने देखा कि डीजल जो है तकरीबन 27% से गिरा है, पेट्रोल 20% से गिरा है, तो आपकी पेट्रोलियम लेवी जो नॉन टैक्स जो रेवेन्यू के अंदर आता है उसमें चूंकि 50 रुपए आप काफी साल के पार्ट में लगाते भी रहे हैं, फिर भी उसमें जो टारगेट है उससे बहुत नीचे। अच्छा एक चीज तो, और जरा लीजिएगा अली, एक चीज और लीजिएगा, ये पीडीएल के ऊपर जो बात की जा रही है कि 50 रुपए से 60 रुपए पर लीटर बढ़ाने की तजवीज है पीडीएल के ऊपर, जरा इसके ऊपर भी कॉमेंट कर दीजिएगा। जी ये मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, देखिए इस पे अभी हमारा GST 0% है, इस पे अगर हम GST इस पे लगाते हैं तो अगर आप समझे कि 17% GST या 18% GST पे आता है तो वो तकरीबन इस वक्त की प्राइस के ऊपर कुछ 30-40 रुपए का फर्क आता है, तो वो हम नहीं लगा रहे और हम सिर्फ 10 रुपए PL बढ़ा रहे हैं और GST को नहीं लगाएंगे, तो ये एक अच्छी बात होगी। और दूसरा जो PL है वो फेडरल पार्ट होता है, वो प्रोविंसेस के साथ शेयर नहीं होता, और हमारा मसला फेडरल है कि फेडरल नेट फिस्कल रेवेन्यू जो है वो इस वक्त कम है जिससे जितना गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, मतलब जो गवर्नमेंट का सिर्फ डेट सर्विसिंग है उससे कम है, यानी कि जब गवर्नमेंट जो अपना कर्जे उतारने में जो पैसे दे रही है उसके रेवेन्यू उससे कम है, तो इसलिए हमें रेवेन्यू ऐसे लाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए जिसमें हम परफॉर्मेंसेज के साथ शेयर ना करें। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि इसको 60 रुपए पे लेके जाए, और चूंकि आप देखें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस सॉफन हो रही हैं, तो उससे जो है आप देखें कि पिछले महीनों में जो आपका पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बदतरीज थोड़ी सी कम हुई हैं, तो 10 रुपए बढ़ा भी देंगे तो वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं होगा। और देखो तुम्हारा जब प्राइसेस कम होती हैं तो उसका आप देखते हैं कि जो 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 आगे उसके प्राइसेस रिटेलर या उसकी वैल्यू चेन में जो प्राइसेस बढ़ा देते हैं वो जब वो कम होती हैं पेट्रोलियम प्राइसेस, तो वो कम नहीं करते,
तो बेहतर ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को हम उधर ही कहीं मेंटेन रखें और टैक्स यहाँ से ज्यादा कलेक्ट करते थे रादर देन के हम उसको आसान करें जिसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट भी नहीं आना। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता अनवर साहब कि ये जो पेट्रोलियम, अली खजर साहब जो बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनुआत की कीमतों को वहीं कंटेन करके उसको बजाय इसके कम करके, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आवाम तक नहीं पहुँच पाता है। ओवरऑल आपको पॉलिसी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि अगर कोई टैक्स फाइल नहीं करेगा तो हम उस पर जुर्माना आयद करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम हो रही है, एक्सपोर्ट हमारी ऑलरेडी कम है, स्मॉल बिजनेस हमें बढ़ाना है, लेकिन जो चीज़ें आवाम तक जानी चाहिए वो हम इम्प्लीमेंट तो करते हैं लेकिन उनका हमें नज़र नहीं आता, कोई भी रिजल्ट नज़र नहीं आता। डोंट यू फील कि जो ओवरऑल हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हम बनाते हैं बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वीक? देखिए, हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं हैं। इशू ये है कि ये बात पहले हमें वाज़े तौर पे तस्लीम करनी चाहिए, जब तक हमारा टैक्स निज़ाम सही नहीं होगा, जब तक हम टैक्स सही तरह नहीं लगाएंगे, जब तक पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकेगा। ये बात चाहे कोई इसको कहे कि टैक्स ज़्यादा है कम है, ये मेरे ख्याल में इस वक्त बहस नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि टैक्स कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है। अब अभी इमरान ने बात की 16% जो लास्ट ईयर हुआ उसमें जो सुपर टैक्स आया, 7E आया, CVT का टैक्स, उसमें सिर्फ एक अच्छी बात हुई, ऑल्दो उसकी एक ऑफशॉट भी है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि डायरेक्ट टैक्स था ये कंपनीज में, तो क्योंकि और बटन आया, लेकिन इंडिविजुअल पे ही डायरेक्ट टैक्स लगा, जिन्होंने अब प्लॉट्स इन्होंने पार्क किए उन पे टैक्स लगा, जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टी रखी उन पे टैक्स लगा, लेकिन उनका ये ग्रीवेंस था कि हम फाइलर हैं क्योंकि इसलिए हम पे लग रहा है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नॉन फाइलर है, जिसको आपने एक स्टेटस दे दिया नॉन फाइलर का, वो जो है बिल्कुल गलत है। FBR उस पर काम नहीं कर रहा, असल में काम उस पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की डेमोग्राफ है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 5 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए, 5 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए, और ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ आपको मिरर पॉलिसी निकालनी होगी। मिरर पॉलिसी ये कि आप होमवर्क करें, मैपिंग करें और लोगों को कन्फर्ट करें कि आपकी ये इनकम है, आपके ये एसेट हैं। और सर आप ऑटोमेशन पे जाइए इन सारी पॉलिसीज के साथ जो FBR के अंदर करने की चीज़ें हैं, क्योंकि 63-64% जो है आपका डिपेंडेंसी इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, 23% डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, तो FBR का भी टोटली पूरे पाकिस्तान को विदहोल्डिंग एजेंट बना के उन्होंने रख दिया है, इतनी बड़ी फील्ड फोर्स लेकर और ये परफॉर्मेंस। ये देखें, FBR ने नहीं बनाया है, ये हुकूमत ने बनाया है। हाँ। हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है कि वो उस पर, अब जैसे अभी बात की अली ने, वो 6000 रुपये टैक्स आया था ट्रेडर्स पे, वो एक ट्वीट के जरिए ख़त्म हो गया। तो अगर इस तरह की एडहॉक पॉलिसीज आएंगी तो ये इस तरह की आपको चीज़ें तो नजर आएंगी। विदहोल्डिंग जो है वही लोग हैं जिनने सबक याद किया, उनकी छुट्टी बंद होती है, जो सिस्टम में हैं, जो पेमेंट करते हो टैक्स काट रहे हैं, उन्हीं की आप नोटिस देते हैं, हर साल नोटिस देते हैं, उनसे पूछते हैं तुमने सही टैक्स काटा है नहीं काटा। जो लोग सिस्टम से बाहर हैं वो उसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी तरह के प्रिविलेज दे रहे हैं, वही रोड यूज़ कर रहे हैं, वही हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं, बट टैक्स नहीं दे रहे। तो ये जो सूरत हाल है इसको अच्छा आप समझते हैं कि ये जुर्माने वाली बात, क्योंकि ये झुंझुना जो हमें दिया ये डार साहब ने दिया है, फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो हम बड़े मजे से बजा रहे हैं पिछले 10 साल से, बात ये है कि इससे, इस डिस्क्रिमिनेशन से आपको फायदा क्या हुआ? लोग तो टैक्स नेट के अंदर नहीं आना है, वो ज्यादा पे करके और बाहर रहेंगे। बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है, इसलिए कि आपके पास डेटा आ रहा है कि टैक्स किसका किसका कट रहा है। अगर आप चाहें, अगर आप सीरियस हैं तो आप इस पर होमवर्क करें तो इतना जबरदस्त फायदा है इसका, लेकिन आप करना नहीं चाहते, बिकॉज अब आपको नजर आ रहा है कि अनवर काशिफ टैक्स नहीं दे रहा तो उसका 2% टैक्स कर रहा है, इमरान सुल्तान अगर टैक्स दे रहा है तो उसका 1% टैक्स कर रहा है। तो इमरान अनवर काशिफ पे काम होना चाहिए, उसको नोटिस इशू है, क्यों नहीं वो टैक्स दे रहा, वो रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहा, ये जो सवाल है ये काम नहीं हो रहा। तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा ना, जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आता है तो कोई तो सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि हम नहीं कर पा रहे, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके जहन में ये बात है और आपकी रिसर्च है, दीगर लोगों की यहाँ पे रिसर्च है, तो ये बात 10 साल से हम दोहरा रहे हैं, बल्कि 15 साल से दोहरा रहे हैं और इसको उसी चक्की में हम घुमाए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स तो फाइल जो आम शहरी है जिसकी तनख्वाह से डेफिनेटली उसकी तनख्वाह आती है, टैक्स कट जाता है, इसको जरा इससे भी मिलाएं कि इंटरेस्ट यही होगा ना कि नॉन फाइलर से ज्यादा जब मिल रहे तो फाइलर करके कम मिलेंगे, फायदा क्या, नॉन फाइलर से ज्यादा मिल रहे हैं फिर उसमें। अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो जवाब ये है कि देखें, आप सेगमेंट में टैक्स ले रहे हैं नॉन फाइलर से, अगर वो अगर मिलके वो अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा तो स्लैब चेंज हो जाएगा, वो नॉर्मल रेट में उसका 30% पे 40% होगा, यहाँ 2% 1% दे के, इसलिए कि कोई आदमी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि मैंने क्या प्लान करना है, उसको पता है कि मैं क्या फ़ायदा हो रहा है, ऐसे नहीं कोई आदमी अपने आप को नॉन फाइलर के स्टेटस में रखता है।